डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत राजीव भवन में मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के द्वारा बैठक आयोजित की गई। मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के द्वारा रविवार को राजीव भवन दुर्ग में डिजिटल सदस्यता अभियान बूथ स्तरीय तैयारियों की समीक्षा को लेकर आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आरएन वर्मा, नगर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की विशेष उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के प्रवक्ता संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा व कांग्रेस जनों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आरएन वर्मा का शॉल श्रीफल भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया, साथ ही साथ नव नियुक्त महामंत्री एवं सचिव को बधाई भी दी गयी। इस संबंध में मध्य ब्लॉक के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश है कि डिजिटल सदस्यता अभियान बृहद पैमाने पर चलाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने आज मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की पदाधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई थी। माननीय अरुण बोरा जी, गया पटेल जी, आरएन वर्मा जी और महापौर धीरज बाकलीवाल जी की उपस्थिति में हमने जो जोन प्रभारी बनाए हैं, वार्ड प्रभारी बनाए हैं, पार्षद हैं और कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनकी कार्यशाला लगाई और उनको बताया कि डिजिटल सदस्यता अभियान को रखना है और अधिक से अधिक सदस्य बनाना है। वार्ड में जाकर, घर घर जाकर उस अभियान के तहत हम लोग आज से लग गए पूरे पदाधिकारी। तो उसमें और किस तरह के कार्यकर्ताओं को जोश भरा गया है? उसमें जितने भी हमारे बूथ कमेटी जो बनाई गई है, बूथ कमेटी के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है, जोन कमेटी, सेक्टर कमेटी, प्रभारी और ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को कांग्रेस के रीति नीति सिद्धांतों को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनको बताना और प्रभावित करना कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आम जन की पार्टी है, आम जन की पार्टी छत्तीसगढ़ के विकास को आगे ले जा रही है और कांग्रेस से आप जुड़े और विकास कराइए। मैं अल्ताफ अहमद, अध्यक्ष मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से रसीम फारूकी की रिपोर्ट।